गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपके कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम की किताब के आधार पर नहीं दे रखे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ईडीपी। तो हमने ईडीपी का जो मीनिंग है वो हमने पहले भी लिखा हुआ है और मैंने आपको समझाया हुआ है उसमें। तो ये स्टार्टिंग होगी आपके द एंटरप्रेन्योर, जो मीनिंग वाला टॉपिक दे रखा है उसके जस्ट नीचे इसमें आपके मीनिंग दे रखा है। द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एनी सच, यहाँ से स्टार्टिंग है, और टेक्निकल एंड मैनेजरल ट्रेनिंग, यहाँ तक आपके आंसर आएगा इसका। तो इसमें आपको ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मीनिंग लिखना है। इसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी किताब में दे रखा है, व्हाट इज इनोवेशन। तो इनोवेशन हम कई बार लिख चुके हैं, जो भी इनोवेशन आएगा उसमें एक ही आंसर आएगा, क्योंकि इनोवेशन का मतलब एक ही होता है। तो इसकी बजाय हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें दे रखा है एक्सप्लेन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। तो हम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, अब यहाँ पर हमको स्टार्टिंग से मैं आपको चीज बताती आ रही हूँ कि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स के या किसी के भी पॉइंट पूछे हैं, तो क्योंकि हमारी जो 1 नंबर वाली लिमिट होती है वो होती है केवल 20 वर्ड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें, तो हम इसमें केवल पॉइंट्स के नेम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पॉइंट्स के नेम आएंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछा जाए तो इनमें कुछ एक्सप्लेन लिखेंगे हम। अगर यही क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो हम फुल एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्योंकि 4 मार्क्स की जो लिमिट है वो 1 पेज होती है। तो यहाँ पर हमको, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और हम इसको 1 मार्क्स का सोच करके आंसर लिखेंगे, तो इसमें हमको जो ऑब्जेक्टिव्स के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं वो 2 पॉइंट्स हम लिख देंगे। टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन बिजनेस मैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, और सेकंड लिखेंगे टू डेवलप एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटीज। तो ये 2 पॉइंट्स के नेम इसमें आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये आपके में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, आपके में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो आपके जो क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इसका जो आंसर है वो आपके जो इम्पोर्टेंस दे रखी है ईडीपी की, उस इम्पोर्टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो फुल इसका आंसर आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम की बुक में है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, तो हम इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को उतारेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं। तो इसका आंसर है वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख रुपीज बट लेस डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मीनिंग क्या है, ये आपके इंडियन गवर्नमेंट का जो नापने का वो मेजरमेंट है कि किस तरीके से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नापती है, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि जिस इंडस्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए, जबकि 5 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी 25 लाख से लेकर के और 5 करोड़ तक के बीच का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इतना इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री में है तो वो इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट आपको बुक में दे रखा है। अब है आपके 4th क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ये भी आपके शायद कॉपी में नहीं है बुक में, तो ये भी हमको लिखना है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो आपके इंपॉर्टेंस दे रखी है उसमें ये आंसर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा तो एनवायरनमेंट का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से
कुछ अपने हिसाब से बना करके लिखा है, क्योंकि कंप्लीट वो जो क्वेश्चन का क्वेश्चन दे रखा है उसके आधार पर वो आंसर नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे, मतलब अपने तरीके से इसको सेट करेंगे। तो इसमें हम मैंने आपको बताया है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस्ड न्यू गुड्स एंड सर्विसेज डिस्कवर एंड डेवलप न्यू मार्केट एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज वेंचर्स इन लेस डेवलप्ड प्लेस एक्सटेंड एंड रिन्यू एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग इज कॉल्ड, आगे हम जोड़ेंगे, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। यानी इसके बाद हम थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप हमने दे रखा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडीपी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईडीपी में कॉन्सेप्ट जो दे रखा है उसमें हमको वहां से स्टार्ट करेंगे। ईडीपी प्रोग्राम हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोडिक्शन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मेकिंग यूथ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ये यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद फिर अकॉर्डिंग टू ये रोजन वाला भी आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये यहाँ तक आपका जो आंसर है वो कॉन्सेप्ट के रूप में आएगा ईडीपी के। इसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपके स्टेट द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। अब यहाँ पर भी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी पूछे गए हैं, यहाँ पर भी थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी पूछे गए हैं, तो आप कोई से भी तीन पॉइंट्स का डिटेल करेंगे ऑब्जेक्टिव्स में से। तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे सेकंड को, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, तो आप जो ये वाला क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करेंगे और एनी थ्री पॉइंट्स जो है उनके आप एक्सप्लेन सहित इसको आंसर को करेंगे। फिर ये क्वेश्चन जो है ये आपके थर्ड नंबर पे दिया हुआ है एक्सप्लेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये पॉइंट दे रखा है आपके पेज नंबर 112 पे पॉइंट नंबर थर्ड, इसका पूरा एक्सप्लेन आपके इसके अंदर आएगा। तो ये हमारे लेसन नंबर 12 के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस वाले में आप लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको कंक्लूड करके लिखेंगे कि इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे 12th लेसन के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। इसके आगे वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।